किसने छुआ तुम्हें? किसकी इतनी हिम्मत हुई? बताओ मुझे, उसका नाम बताओ मुझे। गुस्से में कांपती हुई ये आवाज जवान, खूबसूरत और बेहद अमीर जमींदार शार्दुल शाह की थी, जो अपने घर की शानदार बैठक में गुस्से से कांप रहा था। शार्दुल इस बड़ी सी बैठक की लकड़ी से बनी दीवार के पास खड़ा था। दीवार से सटकर एक लड़की खड़ी थी, जिससे ये सवाल किया गया था, पर वो खामोश, नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी खामोशी शार्दुल के गुस्से को और हवा दे रही थी, पर लड़की बुत बनी खड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि इतना गुस्सा किस पर और क्यों? दरअसल शार्दुल शाह की किसी चीज को कोई और आंख उठाकर देख भी लेता था तो वो उसकी आंखें नोच लेता था, और यहाँ तो शायद किसी ने छू लेने की हिमाकत कर डाली थी। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से भी लगभग 80 साल पहले, जब शिमला श्यामला कहलाता था और घने जंगलों से घिरा हुआ होता था, ये कहानी तब की है। कौन था शार्दुल शाह? शार्दुल शाह की ये अजब कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले वक्त पन्ने पलट कर पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस गुस्से की वजह आखिर थी क्या। देखिए तो शार्दुल क्या कह रहा है। आखिर बताओ भी, किसने छुआ तुम्हें? शार्दुल की बड़ी बड़ी आंखें इस समय अंगारे बरसा रही थी, और उसका विश्वास पात्र खान सावा दयाल ये भली भांति जानता था कि उसके मालिक के हुक्म की तामील में देरी का मतलब था उसके ज्वालामुखी जैसे गुस्से को जगा देना। जब ये गुस्से का लावा फूट पड़ता था तो शार्दुल खुद नहीं जानता था कि कौन कौन इसकी जद में आकर बह जाएगा। शार्दुल के भरोसेमंद दयाल ने जवाब में कहा, सरकार ये नीच हरकत आतिश शाह ने की है। शार्दुल गुस्से में चीखा, फौरन उसे मेरे सामने हाजिर किया जाए। लगभग सोने का वक्त हो चला था, ऐसे वक्त पर घर में सो रहे मेहमान को कैसे जगाया जाए? इस कश्मकश में डूबे दयाल ने गफलत में पूछ डाला, क्या अभी इसी वक्त मालिक? गुस्से से शार्दुल ने कहा, इस सवाल का क्या मतलब है? जो मैंने कहा क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं सरकार, आपकी बात ना सुनाई दे, ऐसा कैसे हो सकता है? शार्दुल शाह के गुस्से और घूरती हुई आंखों से बचने के लिए खान सामा दयाल वहां से भागा और कुछ ही पलों में आतिश शाह को लेकर लौट आया। बैठक में हो रही बात से बेखबर आतिश ने मुस्कुराते हुए शार्दुल का अभिवादन किया और आतिश ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। शार्दुल ने अपने पास टेबल पर सजी सेबों की तश्तरी से चाकू उठाया और बिजली की गति से आतिश के भरे हुए हाथ की सभी उंगलियां एक झटके में काट डाली। आतिश के दाहिने हाथ की सारी उंगलियां फर्श पर गिर पड़ी और जख्मी हाथ से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन शार्दुल के चेहरे के भाव देखकर आगे का दर्द वो चुपचाप सहन कर गया। खौफ और हैरत से भरे आतिश को कुछ पल लगे समझने में कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अपने दूसरे हाथ से घायल हाथ को सीने तक लाकर तड़पते हुए आतिश ने बेचारगी भरी सवालिया नजर से शार्दुल की तरफ देखा। शार्दुल ने बिना उससे नजरें मिलाए कड़वाहट और गुस्से के साथ अपनी बात कही, जो चीज मेरी है उसे कोई दूसरा छूने की हिमाकत नहीं करता है, गलती से भी नहीं। मुझे यकीन है कि आज के बाद कभी आपके जहन में ऐसा बेकार ख्याल आया और आपने अगली बार कभी उसे छूने के बारे में सोचा भी, तो आज का ये सबक आपको जरूर याद आएगा। इतना कहकर शार्दुल ने एक आह भरी, जैसे कि वो लोगों से कह रहा हो कि वे अपने गंदे हाथों को उसके सामान से दूर ही रखें। प्यार, इश्क, दुश्मनी, दोस्ती, बदला वगैरह जैसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन इस किस्से की बात ही कुछ और है। बहुत बहुत साल पहले, लगभग 1778 की बात रही होगी, बंटवारे से पहले के पंजाब में लयालपुर डिस्ट्रिक्ट लाहौर खंड के अंतर्गत आया करती थी।
एक तूफानी रात को तेज बारिश के बीच पंजाब के लयालपुर जिले के एक छोटी से गांव में 17 साल की शिजा अपने चाचा चाची के साथ बारिश से बचने का जुगाड़ करती नजर आती है। चारों तरफ घुप अंधेरा था। बीच बीच में चमकती बिजली कुछ देर के लिए आसपास की चीजों को देखना आसान कर देती थी, पर उसके बाद फिर वही अंधेरा। बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। शिजा यानी इस कहानी की एक मुख्य किरदार। शिजा के पिता उसके बचपन में ही उसे और माँ को छोड़कर चले गए थे और उसे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। बचपन से वो बस माँ के साथ रहती आई थी, उन्हीं से अपने दिल की बातें किया करती थी, खूब शैतानी करके कभी कभी माँ को परेशान भी कर दिया करती थी, पर माँ उस पर कभी नाराज नहीं होती थी। हमेशा यही कहती थी कि इस बड़ी सी दुनिया में शिजा का माँ के सिवा और माँ का शिजा के सिवा और कोई था ही नहीं, तो दोनों एक दूसरे से रूठकर कैसे जिंदगी गुजर कर सकते थे भला। बदकिस्मती से कुछ रोज पहले माँ भी चल बसी, भरी दुनिया में अकेली हो गई बेचारी शिजा। तब उसके दूर के रिश्ते के चाचा चाची माँ की मौत का अफसोस जाहिर करने उसके घर आए और फिर उसी के पास रुक गए। चाचा चाची उसके साथ रहने लगे और शिजा के साथ साथ उसके खेत और उसकी माँ की सब्जी की दुकान का ख्याल रखने लगे। शिजा की माँ गरीब थी, इसलिए मुख्य बाजार में कभी दुकान खरीद नहीं पाई थी। ये दुकान बाजार से काफी दूर थी, लेकिन शहर के रास्ते पर और खेतों के पास पड़ती थी। यहाँ ज्यादातर शहर को जाने वाले लोग फल और कुछ ढाबों वाली सब्जियां खरीद लिया करते थे। दिन भर यहाँ काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन सूरज ढलने के साथ साथ लोग अपने अपने घर चले जाते थे और ये इलाका सुनसान सा हो जाया करता था। आज शिजा की चाची को पास के गांव की बड़ी हवेली के कारिंदे ने सब्जियों का ऑर्डर दिया था। ये बड़ा ऑर्डर था जिसके पैसे से इस परिवार का एक हफ्ते का खाना पीना आराम से चल सकता था। इसीलिए इतनी ठंड और बारिश में भी ये उस ग्राहक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने हाथों से अपनी भीगी पैबंद लगी गर्म शॉल को कसकर अपने बदन पर लपेटते हुए शिजा ने ठंड से बचने का असफल प्रयास करते हुए अपनी चाची से पूछा, और कितनी देर लगेगी? आपने तो कहा था कुछ ही देर में ग्राहक सब्जियां लेने आ जाएगा, पर हमें इंतजार करते हुए एक घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, चाची ने जवाबी में कहा। शिजा बेटिया, ये अमीर लोगों का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही होता है, गरज हमारी है तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इतनी सारी सब्जियां एक साथ लेने वाले ग्राहक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। शिजा ने नजर घुमाकर अपने चारों ओर देखा। दुकान के नाम पर छोटा सा लकड़ी का खोखा था जिसका पूरा फर्श बारिश से भीग रहा था। इसी फर्श पर बड़े बड़े बोरों में सब्जियां भरी रखी थी। ये दुकान मुख्य बाजार से काफी दूर थी, इसीलिए ग्राहक यदा कदा ही आते थे। ज्यादातर दुकान से सब्जियां सिर पर ढोकर शिजा अपनी चाची के साथ बेचने जाती थी। आज बड़ा ऑर्डर मिला था, इसीलिए बाजार बंद होने के काफी देर बाद अंधेरे में भीगते हुए भी ये तीनों उस अमीर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर और इंतजार करने के बाद शिजा को ठंड से कांपते देखकर उसकी चाची ने कहा, शिजा बेटिया, ठंड बढ़ती जा रही है और बारिश तो लगता है रुकने का नाम नहीं लेगी। ऐसे तो हम सब ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं और तुम्हारे चाचा बड़ी हवेली तक जाकर देख आते हैं कि दावत के लिए सब्जियां लेने वाला कारिंदा अब तक आया क्यों नहीं। घबराई शिजा ने फौरन चाची से कहा कि वो चाचा के साथ चली जाएगी, लेकिन चाची ने उसे समझाया कि चाचा ग्राहक को ठीक से पहचानते नहीं है, क्योंकि सौदे की बात को लेकर घूमना ठीक नहीं होगा। शिजा को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर उसके चाचा चाची तेजी से हवेली की दिशा में भर गए। थकान और भूख से बेहाल शिजा दुकान की दीवार से सटकर उकड़ू बैठ गई। बारिश से तो बचाव हो गया, लेकिन तेज ठंडी हवा उसकी हड्डियों को जैसे गला रही थी। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो गई।
अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सोच रहा था कि तभी शिजा को दूर से घोड़ों के हिनहिनाने और उनके टापों की आवाज सुनाई दी। उसने झट से उठकर झांका तो उसे एक शाही बग्घी आती दिखाई दी। शिजा खुशी से झूम उठी, आखिरकार हवेली वाला ग्राहक आ ही गया था। अब उसे सारी सब्जियां देकर और उससे सौदे के पैसे लेकर वो इस बारिश से बचकर घर जा सकती थी। जैसे जैसे वो बड़ी सी बग्घी नजदीक आती जा रही थी, शिजा की खुशी बढ़ती जा रही थी। चार सफेद घोड़े, कोचवान और लालटेन वाली ये बग्घी उसकी दुकान के लगभग सामने रुकी। पर्दा सरका, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति को शिजा ठीक से देख नहीं पाई। लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति ने शिजा पर एक भरपूर नजर डाली। एक गुथी हुई चोटी, सिलकर जोड़ी हुई जूतियां, पैबंद लगा खुरदुरा शॉल ओढ़े, सामान्य कपड़ों में बारिश में भीगी ये लड़की कुछ खास थी। उसके लंबे भूरे बाल उसकी चोटी से निकलकर उसके चेहरे के दोनों ओर फैल गए थे। बड़ी बड़ी बिलौरी आंखें, ऊंचा कद, गुलाबी होंठ, गोरा रंग और एक अल्लड़पन जो उसकी उम्र में वाजिब था, इस बला की खूबसूरत लड़की को और हसीन बना रहा था। मौसम की मार से परेशान कोचवान ने इस बग्घी में बैठे व्यक्ति से पूछा, शार्दुल साहब, क्या यहाँ रुककर कुछ खरीदना है? नहीं, चलो। कहते हुए शार्दुल ने उस लड़की पर एक और भरपूर नजर डाली और खिड़की का पर्दा सरका दिया। कोचवान ने राहत की सांस लेते हुए बग्घी आगे हाँक दी। इधर इससे पहले कि शिजा कोचवान से कुछ पूछती, उसके पहले ही वो बग्घी सर्राटे के साथ आगे बढ़ गई और वो दूध जैसे सफेद चार घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए जल्द ही आंखों से ओझल हो गए। ओह, तो ये कोई मुसाफिर होगा, वो बड़ी हवेली वाला ग्राहक नहीं, शिजा ने अपने आप से कहा। बग्घी में सब्जी लेने आने वाले ग्राहक के ना होने से शिजा मायूस जरूर हुई, पर उसने खुद को ये कहकर समझाया कि अब तक तो उसके चाचा चाची हवेली तक पहुंच गए होंगे। छोटा सा तो पिंड है उसका, कुछ ही देर में वो लौट आएंगे। ये सोचती हुई शिजा अपने को समेट कर फिर से दुकान में दीवार के सहारे जाकर बैठ गई। बिजली कड़कड़ाने की आवाज से उसका दिल बैठ जाता था और अंधेरा तो उसे शुरू से पसंद नहीं था। मजबूरी थी, वरना वो कब की भागकर घर चली जाती और चूल्हे के पास गर्माहट में बैठती। इतनी ठंड नहीं सहनी पड़ती। हाँ, घर में भी गरीबी थी, पर कम से कम बारिश और हवा से तो बचाव होता और वो अपने गीले कपड़े बदल पाती। शिजा बारिश में तब तक इंतजार करती रही जब तक उसे लगने लगा कि कहीं उसके चाचा और चाची ने उसे यहाँ छोड़ तो नहीं दिया है। अगले ही पल उसने उस विचार को दिमाग से झटका और उसे अपने चाचा चाची की फिक्र होने लगी। वो सोचने लगी, वो दोनों ठीक तो होंगे ना, भला इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें, क्या मैं जाकर उन्हें ढूंढूं? पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और पीछे से वो सब्जी वाला ग्राहक सब्जियां लेने आ जाए। ऐसा हुआ तो वो दुकान पर किसी को ना पाकर गुस्सा होगा और शायद बिना सब्जियां लिए लौट जाए। नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो अब तक का सारा इंतजार फिजूल हो जाएगा। पर उन दोनों की उम्र हो चुकी है, कहीं बारिश में फिसल ना गए हों, गलियों में अंधेरा है, कहीं उन्हें कोई चोट ना लग गई हो। इसी सोच में गुम शिजा का ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो उसने उठकर उन्हें निचोड़ना शुरू किया। बहुत ज्यादा गीले होकर कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, लेकिन पानी निचोड़ने से उनका वजन थोड़ा कम जरूर हो गया था। शिजा ने अपने पहने हुए कपड़े निचोड़ने के बाद ओढ़ा हुआ शॉल और अपनी लंबी चोटी भी निचोड़ी। पानी कम होने से थोड़ा अच्छा लगा, पर ठंड में कोई कमी नहीं आई। अपने आप को संभालने में मशगूल शिजा को पता ही नहीं चला कि कब एक छोटी काली बग्घी उसकी दुकान के पास आकर रुकी और एक आदमी बड़ा सा काला छाता लिए उसके लगभग पीछे आ खड़ा हुआ। इस आदमी को अपने सामने एक गोरी लंबी भूरी आंखों वाली किशोर लड़की दिखी, जिसकी खूबसूरती को उसके गीले कपड़े छुपाने की जगह और ज्यादा उभार रहे थे।
अपने पीछे किसी को महसूस कर शीजा पलटते हुए चौंक गई। खुद सहज दिखते हुए उसने पूछा, आप कौन जी? आपका ही नाम रतुलाल है? आप हवेली से आए हो सब्जियां लेने? वो आदमी मुस्कुराया और शीजा की बड़ी बड़ी बिलौरी आंखों में देखकर बोला, हाँ मैं ही वो ग्राहक यानी रतुलाल हूँ जिसका तुम्हें इंतजार है। तुम्हारी चाची कहाँ है? ऑर्डर और पैसे की बात उनसे ही हुई थी। शीजा के दिल में जो आता था वो कह डालती थी। जब माँ थी तब वो उसे समझाती थी कि इतना मोहभट होना भी अच्छा नहीं होता, इंसान मुश्किल में फंस सकता है, लेकिन शीजा पर कहाँ कोई असर होता था। आज इतनी देर ठंड में भूखे प्यासे इंतजार करके और बिजली की कड़कड़ाहट से डर डर कर वो वैसे भी गुस्से में थी, सो उसने ना आओ देखा ना ताओ सीधी शुरू हो गई। माना कि आप अमीर हो, ग्राहक हो और हम गरीब हैं, लेकिन क्या आपकी नजर विच साढ़े टाइम की कोई अहमियत नहीं है? कितनी देर से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेचारे बूढ़े चाचा चाची इस भयानक बारिश और तूफान विच आपको खोजने गए हैं। ये क्या बात हुई? आपको टाइम से आना चाहिए था ना? ग्राहक ने शीजा को गौर से देखा। उसकी काली आंखें शीजा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी जिससे वो असहज हो गई। उस आदमी की मौजूदगी से परेशान शीजा ने हवेली की दिशा में देखा, लेकिन सुनसान अंधेरी गलियों में चाचा चाची का कोई निशान नहीं था। इतनी बारिश के कारण इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। शीजा ने कहा, चाचा और चाची तो जी आपको ढूंढने गए हैं। आपकी सारी सब्जियां यहाँ बोरियों में रखी है, अपने कोचवान की मदद से रखवा लीजिए और पैसे आप मुझे दे सकते हैं, मैं चाची को दे दूंगी। उस आदमी ने अपना छाता बंद करके दीवार के साथ टिकाया और कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वो आदमी दुकान के अंदर आया और शीजा के बहुत नजदीक खड़ा हो गया। तभी बिजली चमकी और उसकी रोशनी में शीजा ने देखा कि उस आदमी के मुंह पर छुरी से कटे होने जैसा एक निशान था जो उसके दोनों होठों के आर पार तक था। इस आदमी का बर्ताव, बोलचाल और ऊपर से ये निशान उसे और ज्यादा संदेहास्पद बना रहा था। शीजा कुछ और कहती उससे पहले उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसका हाथ शीजा के कोमल गाल पर था। घबराई शीजा पीछे हटी और गर्जी, ये क्या बदतमीजी है? आदमी ने जवाब में एक बड़ी गंदी नजर शीजा पर डाली और भद्दे तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी नाजुक कलाई कसकर अपने बड़े और खुरदुरे हाथ में जकड़ ली। शीजा ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की मगर ये आदमी बहुत ताकतवर था। शीजा ने आसपास नजर दौड़ाई, उसे पास रखी बोरी में से झांकती गाजर नजर आई। शीजा ने अपने दूसरे हाथ से गाजर खींचकर बाहर निकाली और जोर से उस आदमी की आंख में दे मारी। एकाएक हुए इस हमले से हुए दर्द के कारण उस आदमी ने शीजा का हाथ छोड़ा और तुरंत दोनों हाथों से अपनी आंख मलने लगा। मौके का फायदा उठाकर शीजा ने उसका छाता उठाकर जोर से दो तीन बार उस आदमी के सिर पर मारा। वो आदमी दर्द से छटपटाने लगा और मौका देखकर शीजा वहां से भाग ली। काली अंधेरी सर्दी की रात में सड़क पर कोई नहीं था, बस्ती यहां से काफी दूर थी। शीजा के पैरों के पड़ने पर गलियों में रुका हुआ पानी छप छप की आवाज करता। अचानक शीजा ने पीछे घूमकर देखा तो वही आदमी उसे अपने पीछे आता हुआ दिखाई दिया। शीजा भागने में तेज थी, गांव में सतोलिया खेलते हुए उसने कभी गेंद नहीं खाई थी। आज भी वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन पीछा करने वाले का कद और ताकत दोनों शीजा के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। भागते वक्त शीजा ने उस आदमी को काफी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जमे कीचड़ और पानी में उसे गलियों में पड़े पत्थर नजर नहीं आ रहे थे। तभी एक गली के मोड़ पर उसे ठोकर लगी और ऐसे ही एक पत्थर से टकरा कर वो गिर पड़ी। जल्दबाजी में वो उठी और भागने लगी और खुश हुई कि आखिरकार उस आदमी को चकमा दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो नंगे पैर भाग रही थी।
उसकी जूतियां वही उसी गली में रह गई थी जहां उसे ठोकर लगी थी। वापस जाना मतलब जान और इज्जत खतरे में डालना, और नहीं जाना मतलब जूतियों से तो हाथ धोना ही, पर साथ ही साथ अपने पीछे अपनी निशानी छोड़ देना जो उस आदमी से शिजा की चुगली करती। देखी जाती तो फिर उस आदमी को चकमा दे पाना मुश्किल हो जाता। शिजा सोच ही रही थी कि क्या करे कि तभी उसे पानी में छप छप पैरों की आवाज सुनाई दी। पानी पर भागते कदमों की आवाज सुनकर घबराकर शिजा ने अपने भीगे शॉल से अपना मुंह ढक लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो अपनी धड़कनों की आवाज उस बारिश और तूफान के शोर के बीच भी साफ सुन पा रही थी। वो इतना डर गई थी कि उसे लग रहा था कि किसी भी पल उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आएगा और वो वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ेगी। वो सिहर गई। शायद उस आदमी ने शिजा की जूतियां देख ली थी और शायद एक गली का ही अंतर उनके बीच रह गया था। लंबे लंबे डग भरता वो कभी भी पास पहुंच सकता था। उसे चकमा देने के लिए शिजा ने छोटी तंग गलियों में भागना शुरू किया। इन गलियों में लुकन मीटी यानी छुपन छुपाई खेलते हुए वो बड़ी हुई थी, इसलिए चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। कुछ देर बाद शिजा ने महसूस किया कि वो यूं ज्यादा देर तक भागती नहीं रह सकती। उसके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से सन चुके थे। ठंड से बेहाल शिजा कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने आगे अंधेरे दौराहे की ओर रुख किया। वहां से एक पतली पगडंडी खेतों की तरफ जाती थी और एक रास्ता पड़ोसी गांव में शिजा के गांव की सरहद पर बनी हवेली की तरफ जाता था जहां उसके चाचा चाची गए थे। हवेली तक जाने का ये लंबा रास्ता था जो ढेर सारी छोटी बड़ी तंग गलियों से गुजरकर एक सीधे रास्ते से मिल जाता था। शिजा को पता था हवेली तक पहुंच गई तो मदद मिल जाएगी, क्योंकि बाहर पहरेदार अपनी गुमटी में हर वक्त होते थे। ये उसी के गांव के जान पहचान के लोग थे तो यकीनन उसे मदद मिल जाती और कोई ना कोई हिफाजत के साथ घर भी पहुंचा देता। लेकिन तभी उसे याद आया कि गलियों तक तो वो किसी तरह बच लेगी, लेकिन सीधे रास्ते पर अगर उस आदमी ने तेज दौड़कर उसे पकड़ लिया तो। वो सोचने लगी, हवेली काफी दूर है लेकिन मदद की इकलौती उम्मीद वहीं से है, लेकिन पकड़ी गई तो किसी को पता भी न चलना कि कितने गई शिजा, और चाचा चाची इस बरसात में इतना लंबा रास्ता लेने की जगह लौटते वक्त भी यकीनन वही पगडंडी चुनेंगे जिससे वो हवेली तक गए थे। यानी इस हिसाब से तो वो दोनों अब तक वापस लौटने वाले होंगे, और इस आदमी को भी तो यही लगेगा ना कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगी, क्योंकि कोई भी समझदार बंदा यही करेगा। ये लो दोराहा आ गया। इस बात ने शिजा को फैसला लेने में मदद की। दोराहे पर पहुंचकर शिजा ने कुछ पल सोचा और फिर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। उसने हवेली वाला रास्ता ना चुनकर खेतों वाला रास्ता चुना और दौड़कर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। कुछ ही देर में वो आदमी दोराहे तक पहुंच गया। जैसा कि उम्मीद थी, उस आदमी ने दोनों तरफ देखा और सीधा रास्ता चुना। शिजा को समझ नहीं आया कि वो ऊपर वाले का कैसे शुक्रिया अदा करे। कुछ ही पलों में वो आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ हवेली वाले रास्ते पर भागने लगा। शिजा ने चैन की सांस ली और उस आदमी के आंखों से ओझल होते ही उसने खेतों के रास्ते उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जहां से वो आई थी। उसे लगा कि अब तक उसके चाचा चाची छोटे रास्ते से होते हुए उनकी सब्जी की दुकान तक पहुंच गए होंगे। शिजा भागकर उन तक पहुंचना चाहती थी और उनको इस डरावने बदतमीज आदमी के बारे में बताना चाहती थी। हाफती हुई शिजा जब दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके चाचा चाची अभी तक नहीं लौटे थे। वो सोच रही थी कि क्या किया जाए। ये इतनी सारी सब्जियां उठाकर अकेले घर ले जाना तो मेरे बस की बात नहीं है। चाचा चाची भी नहीं आए। एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ। अगर अभी तक चाचा चाची ना भी वापस आए तो मोहल्ले के बाकी लोग तो होंगे, कम से कम डर तो नहीं लगेगा। और कपड़े बदल लूंगी वरना इस ठंड में मर जाऊंगी। शिजा ने फिलहाल के लिए उस जगह से निकलने का फैसला किया और वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर चलने लगी। तेज कदमों से चलती शिजा किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहती थी।
माँ होती तो उसे शायद इस तरह अकेली नहीं छोड़ती। पर न जाने चाचा चाची किस मुसीबत में हो, कोई मजबूरी हो। यही सब सोचती सोचती शिजा को अब गांव के घरों में जल रहे चूल्हे, लालटेन और दियों की रोशनी नजर आने लगी। मन ही मन ऊपर वाले का फिर से शुक्रिया अदा करके उसने कहीं कोई अब भी पीछा तो नहीं कर रहा, इस बात से आशंकित होकर अपने आगे बढ़ते कदमों को रोका और पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। शिजा ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने के लिए वापस मुड़ी। लेकिन ये क्या, उसका गांव कुछ ही दूरी पर रह गया था, पर गांव और उसके बीच रत्तूलाल खड़ा था। उसकी डरावनी आंखें और मुस्कुराहट उसे और भयानक बना रही थी। शिजा कोई प्रतिरोध करती, चिल्लाती चीखती या कुछ भी कहती, उससे पहले उस आदमी यानी रत्तूलाल का खुरदुरा हाथ शिजा की कलाई पर था। शिजा का दिल चाहा कि वो पूरी ताकत लगाकर चीखे, लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ले, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। थकान, भूख प्यास और लगातार बारिश में भीगने से वो कमजोर महसूस कर रही थी। डर से सहमी शिजा अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रत्तूलाल के कोचवान ने शिजा को उठाया और उस छोटी सी काली बग्घी में लेटा दिया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, हवा अपना रुख बदल रही थी। अचानक से बारिश थम गई, बादल छटने लगे, बिजली चमकनी बंद हो गई और मौसम साफ होने लगा। जैसे ही ये पल बीते सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन किसी ने भी एक युवा लड़की का अपहरण होते नहीं देखा, खुद बेहोश शिजा ने भी नहीं।